को बहुत त्रास दिया। मां को बड़ा कष्ट हुआ। आज बुद्धि रो रही है कि मैंने समय पर तो अपना कार्य सही से किया नहीं था। आज उसे बार बार दुख हो रहा है। वृद्धावस्था में जब कष्ट होता है, हम बिलखते हैं तो बार बार दोष अपनी बुद्धि को देते हैं। कोई काम किया तो मैंने ये काम क्यों कर दिया, मैं तब ऐसे नहीं करता, ऐसे कर देता, उस समय मेरे साथ ऐसा हो जाता। बुद्धि, आज बुद्धि रो रही है कि मैंने उस समय संत का प्रसाद गऊ को दे दिया था, यदि मैं उस समय ले लेती तो आज मुझे इतना कष्ट ना पाना पड़ता, इतना मेरे साथ दुर्व्यवहार ना होता, ऐसा भाव आ रहा है उसके हृदय में। लेकिन आज तो मां के साथ अनीति कर दी धुंधकारी ने, बहुत पीटा। तो रात्रि में माता वहीं कुइया में डूब गई। उसे इस बात का भी दुख था कि मैंने अपने पति का कहा नहीं माना था। इधर आत्मदेव वन की ओर भागे और वन में जब पहुंचे, जब बुद्धि धर्म से अलग हो गई तो धर्म भी अकेला बेहल हो उठा। क्योंकि धर्म तो आपके मन से बंधा है, यदि आपने मन से माना है तब वो आपके जीवन को निखारेगा, और यदि आप अपने मन से उसे नहीं जोड़ पाए तो वो आपको उच्चता भी कभी प्रदान नहीं कर पाएगा। दो क्षण भगवान का नाम संकीर्तन कर लेते हैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बस चाह यही प्रभु नाम तुम्हारा उचारा करो, मिठला के मन मंदिर में प्रभु आरती भव्य उतारा करो, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय। आत्मदेव वन की ओर दौड़े। जब संविदा की लकड़ियां
कपूर से सनी हुई हो, जो हवन कुंड में लकड़ियां जानी हैं, कपूर से सनी हुई हो और तेल में डुबोई गई हो, भीगी हुई हो और फिर उनको हवन कुंड में रखा जाए और फिर जरा सी चिंगारी दिखा दी जाए, तो फक करके अग्नि को पकड़ लेती है। ऐसे ही जब जीवन तप जाता है और जब अन्याश्रय की संभावनाएं नष्ट हो जाती हैं, ये निश्चित हो जाता है कि इस जीवन में जो कुछ भी मेरे पास है वो निश्चित रूप से मेरा नहीं है। जानते तो हम ये प्रथम दिन से हैं, लेकिन जब आपके हाथ से जा रहा होता है तो फिर दिल बिलखने लगता है, रोने लगता है जीव कि मैं कैसा मूर्ख था, कितने लोगों से झूठ बोला है। मन आत्मा शरीर पे बोझ सा लगने लगते हैं अपने किए हुए कर्म, अपने स्वयं के किए हुए कर्म, कि मैंने कितना समय इनको दिया और अंततः ये सब छोड़ के मुझे जाना पड़ रहा है। मैं ईश्वर दर्शन करने भी गया तो मैंने शर्त पहले रख ली कि हे नारायण, मैं तेरे पास हर हफ्ते आऊंगा चोला चढ़ाने, लेकिन मेरा व्यापार साधारण है, मैं हर महीने आऊंगा तेरी चौखट पे माथा टेकने, गुरुदेव मैं आपके यहां ये दक्षिणा जरूर देता रहूंगा, पर शर्त यह है कि मेरा ये कार्य सध जाए और सधा रहे। तो तैने अपने लिए क्या मांगा? तू जो मांग रहा है वो तो एक दिन छिन्न भगवान भी हंसता होगा कि ये कैसा जीव है जो मेरा ही है, जो मैंने इसे दे रखा है और एक दिन मैं इसे छीन लूंगा और ये धरती से खाली हाथ जाने वाला है। ये वो सब मुझसे नहीं मांग रहा है जो इसके साथ जाने वाला है, ये वही लौट के मुझसे मांग रहा है जो मेरा ही है और यहीं छोड़ के जाना है। ये धन दौलत वैभव गाड़ी बंगले तो यहीं छूट के जाने हैं। तो नारायण भी कभी हंसने लगता होगा कि वारे मेरी माया, क्या मैंने बनाया कि ये मुझसे वही मांग रहा है जो मेरा ही है। जैसे आप किसी को धन दें और आपको निश्चित पता है कि ये ब्याज लग के वापस आएगा, तो देते समय कितनी प्रसन्नता होती है। कईयों को ये भय लगता है कि कहीं डूब ना जाए थोड़ा दुखे, पर भगवान को तो भय ही नहीं है, उन्हें तो पक्का पता है कि मेरे पास ही आना है। तो आप उन्हीं की चीजें उन्हीं से मांगने जा रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं।